कृपया ध्यान दीजिए 12,000। कृपया ध्यान दीजिए, माँ अहोरवा भवानी धाम स्टेशन पर ट्रेन नंबर XYZ पहुँचने वाली है। ध्यान दीजिए, अगर आप रायबरेली के अकबरगंज स्टेशन पर इस अनाउंसमेंट को सुनकर चौंक रहे हैं तो आपको जानकारी दी जाती है कि इंडियन रेलवे की तरफ से अकबरगंज स्टेशन अब माँ अहोरवा भवानी धाम स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। कुल 8 रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है, जिसमें अब कासिमपुर हॉल्ट का नाम होगा जायस सिटी। वहीं जायस स्टेशन गुरु गोरखनाथ धाम के नाम से जाना जाएगा। मिश्रौली स्टेशन का नया नाम होगा माँ कालीकंद धाम। बानी स्टेशन को स्वामी परमहंस स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। निहालगढ़ का नया नाम होगा महाराज बिजली पासी। अकबरगंज स्टेशन को माँ अहोरवा भवानी धाम के नाम से जाना जाएगा। वारिसगंज हॉल्ट का नया नाम है अमर शहीद भाले सुल्तान हॉल्ट। और फुर्सतगंज को तापेश्वर धाम के नाम से जाना जाएगा। अगर आप इन स्टेशनों पर चढ़ या उतर रहे हैं तो ये खबर आपको चौंकने के जोश को धीमा कर देगा, लेकिन इस खबर ने सियासत में शोर तेज कर दिया है। कांग्रेस और SP नाम के बहाने जमकर सियासी तीर चला रहे हैं। अमेठी में 8 रेलवे स्टेशन नाम बदल दिए गए, और नाम बदलने की इस परंपरा को किस तरीके से? जनता इनको बदल देगी, यही काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। उनको लगता है कि नाम बदल करके हम बहुत तिस्मार खा बन जाएंगे। अरे पेट में आग लगी हुई है, उस आग को ठंडा करने का काम करो ना भाई। उत्तर प्रदेश बिहार से पलायन है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, नौकरी चाकरी है नहीं देश में, देश का पैसा लूट लूट करके चंद घरानों को भर रहे हो। वहीं BJP अपोजिशन के इल्जाम को दरकिनार कर बंटवारे के जवाबी तीर चला रही है और दावा है कि गुलामी के निशानों को मिटाने का ये प्रोग्राम यूं ही चलता रहेगा। साफ है, नाम बदलने पर सियासत फिलहाल थमने वाली नहीं है। सरकार का जो अभियान है, हम सब लोगों की जो मानसिकता है, जो गुलामी के प्रतीक हैं, जो गुलामी के चिन्ह हैं, वो मिटने ही चाहिए, ये जनता भी चाहती है। तो हम गुलामी के प्रतीकों को हटा रहे हैं, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, हम उसको बहाल कर रहे हैं। अगर आज शेक्सपियर इस बहरान को देख रहे होते तो नाम में क्या रखा है, लिखने से पहले उनके पेन की इंक खत्म हो जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।